गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कहाँ रह गए रे तेरे क्लास वाले बाकी सब? आज जल्दी चालू हो गई है। जल्दी से 5 बजे ही तो स्टार्ट होते थे, तो 5:05 तो हो गए हैं, 5:03 हो गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे ये चिन्मय अटैक लाल पीला रहा कर दिया है। बताओ जब यार बस 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 कौन हो यार आप तो क्या? नहीं नहीं डबल रात्रि हो गई है। अरे नहीं नहीं टेस्ट खराब हो जाता है कितना। सर आज आपने जल्दी चालू करे भाई। आप वो क्वेश्चन करवाना है ना अपने को तभी तो हो पाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर बताओ जल्दी से। ये तो कौन सा क्वेश्चन? अच्छा वो पेपर के। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन नंबर क्या करवाया अभी तक? यही करवाया अभी, जो जो डाउट है क्वेश्चन नंबर लिखवाओ पहले। 26 चालू नहीं करवाया। 26 28 32 33 34 32 33 34 35 36 सब लाइन नहीं है। 48 39 42 44 45 42 44 45 47 48 50 48 50 हाँ बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखना पहले। तो वही है ना 1/10 14 15 16 20 22 हाँ n/10 NaOH। इसका मतलब इसका जो नॉर्मलिटी है ना कितनी है 1/10 तो OH माइनस पी कितना होगा 1/10 तो POH की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस लॉग 10 का पावर माइनस 1 तो PH की वैल्यू कितनी होगी ना पहले चल इस क्वेश्चन वेरिएबल दो ठीक है। हाँ सर एक मिनट पर खोलने दो ना पहला जी पेपर बगैर खोले बता दिए क्या तुम ये डाउट है? अरे सर वो मैंने आंसर शीट वो मैंने गलत है इसलिए वो अलग के अलावा किसी को किसी में डाउट है ये मतलब मैं मार्क 43 क्वेश्चन नंबर मतलब 43 और हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखना। 49 अरे 49 भी नहीं हुआ सर ना वो n by 10 वाला था वो तो 50 में है ना। तो देखने यार क्वेश्चन नंबर 26 NH4HS ये दे रखा 5.1 ग्राम कर रहा 3 लीटर फ्लास्क है जिसमें इतना इतना टेम्परेचर है सॉलिड NH4SH डिकम्पोजिशन 26 यही है ना ये नहीं है 20 N2+3H2 वाला अच्छा पहला क्वेश्चन वाला जो एक मिनट टेन टू एक टू गेस्ट तब ने मेंस वालों का नहीं
दोनों का सेम वही लिया आपने। मैं भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 26 चलो देखना। ये अपने पास N2 प्लस में 3H2 और ट्वाइस NH3 ठीक ना है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रॉब रिएक्शन केपी, इसका केपी दे रखा है। इफ प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 जो होगा ये लेस देन क्या है, पी टोटल के इक्वल है ठीक है। अब आप देखना एट इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, एट इक्विलिब्रियम पे अगर इसका पार्शियल प्रेशर N2 का क्या है, पी है, तो H2 का क्या होगा, 3P होगा और NH3 का क्या होगा, 2P होगा ना। नहीं समझ में आया, यही होगा ना पार्शियल प्रेशर। आवाज जा रही है? ये एट इक्विलिब्रियम पे यही होगा ना, जिसका इसका जितना होगा उसका ट्रिपल टाइम ये वाला होगा, फिर ये डबल होगा। तो बताओ टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर पी प्लस 3P प्लस में कितना, 2P। अब आपको ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला कंडीशन दे रखा है, इसका मतलब ये 2P तो अपना नेग्लेजिबल होने वाला है, तो P टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, 4P के इक्वल। समझ में आया? ठीक है, अब आ जाओ KP का फॉर्मूला पुट करो। 4P कैसे हो गया, ये 3P प्लस P 4P। अरे पी टोटल, अरे पी टोटल जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 से क्या है, बहुत बड़ा है ना। हाँ तो इसको इग्नोर करेंगे ना, इसीलिए तो ये कंडीशन दिया है ना। तो KP की वैल्यू क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर डिवाइडेड में, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, रो फाइंड करना है, फाइंड करना है। अच्छा यही निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर N2 कितना हो जाएगा, केपी के फॉर्म में फाइंड करना है। पार्शियल प्रेशर N2 P और पार्शियल प्रेशर H2 कितना, 3P, मतलब 27P का पावर क्यूब हो गया। तो PNS3 का स्क्वायर अपॉन में 27P का पावर 4, तो KP इक्वल टू कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर 27। ये टोटल क्या है, प्रेशर है ना, सॉरी ये हमने ये पार्शियल प्रेशर वाला P था, तो यहाँ से इंटरचेंज करोगे इस P की वैल्यू क्या आ जाएगी, PT अपॉन में 4 का पावर कितना है, 4 है ना। अब यहाँ से आप पार्शियल प्रेशर NH3 निकाल लेना, आंसर आ जाएगा ठीक है, नोट करो। थोड़ा स्पीड में नोट करना। हो गया क्या? नहीं सर। थैंक यू। यस सर। चलो देखना क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 28
ये तो आ जाना चाहिए। एक सेकंड रुको, ये क्या हो रहा है? हाँ वो तो इजी है, ये क्यों पूछ रहे हो? टाइम जी देखना है, 28 करना है खुद से। सर डेल्टा एनजी में मतलब मेरा गलत क्यों हो गया? पहले वाले का आएगा ना, तो पहले अच्छे से कैलकुलेशन करना आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मेरा ये सबसे पहले में डेल्टा एनजी की सबसे पहले में पहला वैल्यू कितना आ गया? 1 आ जाएगा। सर उसमें मैंने भी यही किया है तो भी गलत दिया है। सबसे पहला 1 आ गया ना, सेकंड वाले के लिए हाँ। निकाले तो सेकंड वाले के लिए कितना क्या हुआ? 1 हो जाएगा। एक मिनट, सेकंड वाले के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये वाली वैल्यू तो, अगर अपन पुट करेंगे किसमें, किसकी किसकी वैल्यू निकाल, तो केपी वाई केसी की वैल्यू आरटी का पावर कितना? 1। तो डेल्टा एन की वैल्यू कितना है? 1 है ना, तो ये 24.62, 1 हो गया 24.62। इसके बाद N2+3H2 और ये ट्वाइस NH3। अब इसका डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? 2 ना, -2 हो गया। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को? केपी अपॉन केसी की वैल्यू। तो केपी अपॉन केसी की वैल्यू क्या? आरटी, 1/RT का स्क्वायर होगा। तो 1/RT का स्क्वायर कितना? 24×62, यही आएगा ना? ठीक है, हाँ इसका स्क्वायर। तो वैसे ऑप्शन बी आना चाहिए ना, ऑप्शन 2 ये सही। 1 पॉइंट कितना सही तो दिया है। ये ए वाला क्यों किए थे तुम लोग? ऐसा बी आया था, 2 ले लिया। मेरा भी बी आया था, पीछे भी बी दिया है। ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है सर, पर अगर बी दिया है तो मतलब पहले उसमें 1 थोड़ा ना, उसमें पहले वाले का तो 1.65 है। क्या ढंग से दे, 1 ही आएगा ना? अरे वो ऑप्शन नंबर है ना, वो ऐसा हो गया है। देखो देख, ए के 3 ही आंसर है ना, 1 24.62 606.0 फिर बी शुरू हो रहा है। हाँ फिर उसमें 4 आंसर दिए बी वाले में। अरे मैंने वो सी का है तो। अरे सर उसमें पता ही नहीं चला कहाँ से शुरू हो रहा है। तेरे को 3 क्वेश्चन है, 4 आंसर कहाँ से होंगे? नीचे वाला देखते अपने आप समझ में आ जाता है। हटाओ क्या? हाँ सर, मोलर सॉल्युबिलिटी वाले में पता नहीं क्या होता है। चलो देखना, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 पूछे हो क्या? 32 भी पूछा है। 32 देखना, वो तो दोनों सॉल्युबिलिटी का ही है। एक मिनट तक पढ़ने तो देना क्वेश्चन को। द मोलर सोलिबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इज इतना। मोलर सोलिबिलिटी बोले तो क्या? एस डी आई 1.84×10⁻¹⁵। तो सी डी ओ एच होल ट्वाइस, इसको जब ब्रेक करेंगे तो सी डी का +2 हो जाएगा और ट्वाइस ओ एच माइनस स्क्वायर, ये एस और ये 2s। तो के एस पी की वैल्यू कितना है? एस इंटू 4s स्क्वायर, मतलब 4×s का क्यूब होगा, तो 1.84×10⁻¹⁵ का होल क्यूब। इतना समझ में आया? अब आप आगे बढ़े, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है। द एक्सपेक्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इन बफर सॉल्यूशन। अब अगर बफर सॉल्यूशन के अंदर अपने को पूछा है, बफर सॉल्यूशन जिसके अंदर कैडमियम हाइड्रोक्साइड का ही बताना है अपने को, ठीक है, लेकिन पी एच की वैल्यू कितना दे रखा है? 12। इसका मतलब POH की वैल्यू 2 होगी और OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना होने वाला है? 10⁻²। तो अपने को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है ना, तो इसका KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CD प्लस 2 होगा और इंटू OH माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, KSP की वैल्यू क्या है?
फोर इंटू वन पॉइंट एट फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फाइव का होल क्यूब इक्वल टू, ये सी डी प्लस टू ही तो अपने को निकालना है ना, तभी तो सॉल्विबिलिटी पता चलेगी। और ओ एच माइनस कितना है, टेन का पावर माइनस टू, मतलब टेन का पावर माइनस फोर। सॉल्विबिलिटी प्रोडक्ट में आपको बस कहीं से भी एक डाटा मिसिंग कर देगा, वही आपको निकालना होता है। अब सॉल्विबिलिटी पूछा, जब पीएच दे दिया तो ओएच तो आपको पता ही चल गया ना, तो सॉल्विबिलिटी बस किसका बचा, यही कैडमियम का बचा ना। अगर कैडमियम को आपको पता चल जाता तो बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या सॉल्विबिलिटी होगी वो भी पता चल जाएगा। नोट कर लो, टेप लो। बताऊं क्या? एक मिनट सर। अगला क्वेश्चन यही तो रहे, OH माइनस की वैल्यू 0.2 रख दो तो आ जाएगी आंसर। क्या कर रहे हो तुम लोग, नोट हो गया क्या? हाँ सर। चल देखना 32 के बाद 33 yes, पे हो गया नोट। देखो कह रहे हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, क्वेश्चन नंबर 33, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसको किसके अंदर मिक्स किया गया है, NaOH के अंदर। NaOH इसको जब डिवाइड मतलब ब्रेक करोगे तो Al प्लस 3 होगा, प्लस में क्या होने वाला है, 3OH माइनस। इसको जब ब्रेक करके लाओगे तो क्या होगा, Na प्लस होगा, प्लस में क्या OH माइनस। अगर NaOH का कंसेंट्रेशन दे रखा 0.2, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये भी कितना होगा, 0.2। इसकी आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है तो ये अगर S है तो ये कितना होगा, 3S होगा, यही होगा ना। नहीं समझ में आया, समझ में आया ये 3S क्यों हुआ जो? हाँ सर। आवाज जा रही है? Yes, sir. माइक क्यों म्यूट रखते हो तुम लोग? माइक जिसका जिसका म्यूट हो गया ना फिर वो बाहर हो जाओगे। अरे सर लिख रहे थे इसलिए अभी। तो लिख रहे तो माइक म्यूट करके लिखते हैं क्या? तो ठीक है माइक ऑन करके लिखते हैं। माइक ऑन रखोगे? ऐसे लगते हो बारात में आए हो तुम लोग, बैठे हो उधर शादी चल रही है। माइक ऑन रखोगे इधर देखना। Hey, sir. इसका S, इसका 3S। अब जब भी आप अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे AlOH होल थ्राइस तो क्या लिखोगे आप, Ksp इक्वल टू एल्युमिनियम प्लस 3 हो गया और OH माइनस का पावर कितना, 3 27S4। अपना कॉमन आयन इफेक्ट है ना, कौन सा OH-0.2 होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 3S प्लस 0.2 होगा ना। ठीक है, अरे दोनों सॉल्यूशन के अंदर जब आप मिला रखे हो तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे ना। अब आप देखो इसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना, ध्यान से देखो कितना दिया है, 2.4 × 10⁻²⁴। तो एल प्लस 3 यही तो निकालना है आपको, एच है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एस, और ओ एच माइनस कितना है, 3S और प्लस इक्वल टू 2.4 × 10⁻²। अब देखो ना यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक बन जाएगा,
वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो दूसरा आइडिया अपना ये होता है ना कि जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखो कितना बेकार है, मतलब काफी कम है ना ये 10^-20, इसका मतलब एस की वैल्यू बिल्कुल क्या रही होगी, नेग्लिजिबल। इसका मतलब एस इंटू 0.2 का होल पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो 2.4 × 10^-24, तो एस की वैल्यू क्या होगी 2.4 × 10^-24 अपॉन में 0.2 कितना 0.08 होगा क्या। हाँ okay. तुम लोग यार रिवाइज करके ही नहीं आते ना, इसलिए जो टफ क्वेश्चन हो वो पूछते हो वो तो मेरे आता है कि चलो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो तुम लोग आसान वाला पूछ लेते हो ना उससे तो यही पता चलता है कि रिवीजन करके नहीं आते। यस सर सर एक मिनट बता दे नहीं सर इतना चलो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 हो गया 34 में देखना, ये 0.02 मोलर NH4Cl दे रखा है, ये एसिड है वैसे सॉल्ट है क्या है ये NH4Cl सॉल्ट है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है या नहीं है, है ना। अगर H2O आप लगाओगे तो क्या होने वाला है NH4OH प्लस में HCl, इसका मतलब ये एसिडिक सॉल्ट है ना। है सर। अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो जो pH का फॉर्मूला होने वाला क्या होता है, 7-1/2 pKa B प्लस में log C। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है इतना कर सकते हो। pKb की वैल्यू कहाँ है, नहीं दिया है क्या, KB दे रखा है मतलब ये 5 हो गया प्लस log C की वैल्यू दी है क्या 0.02 मतलब log 0.02 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7-1/2 5 × 10^-2 मतलब -2 आगे आ जाएगा और 2 का वैल्यू कितना 0.30 तो ये 7-1/2 5 × 3 = 3.3 इसका मतलब ये हो गया 7-1/2 3.3 1.5 मतलब 1.65 यही ना। अब यहां से कितना आ गया ये 5.35 फॉर्मूला पुटिंग थी ये बड़ी। सर मैं माइक म्यूट कर लूं, अभी बारात जाएगी यहां से, जाने दे एक बार सारे लोग बारात देखेंगे ना।
कोई दिक्कत नहीं है, जब जाएगी तो देखा जाएगा। देखेंगे नहीं सुनेंगे। हाँ वही। चलो हटाए क्या? हाँ सर। एक मिनट सर। कल क्वेश्चन भी नहीं करते तो क्या होगा? बोलो एक मिनट इसमें क्या है यार? पेन खत्म हो गई थी। बोले पेटीएम जब आओगे ना तो मेरे को याद है, अमन हो गया, उदय हो गया, सबकी पेन कॉपी खत्म होती है ना, वो पेटीएम का इंतजार। कॉपी का खत्म हुई, पेन खत्म हुई। क्या थी ना, सारी तुम्हारी पेन और कॉपी में निकालता हूँ सारा कुछ नोटबुक। बोर्ड क्लास में तो वही देखा था वापस अभी। बोर्ड क्लास में कहाँ खत्म हुई थी? क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या है। pH of mixture of containing 400 ml of H2SO4 plus क्या है NaOH will be approximately 1.3। अच्छा बोला है कि pH की वैल्यू इतनी आने वाली है, क्या कितना हो जाएगा इसका? दोनों का रिएक्शन करवा दे अपन। H2SO4 कितना है? 400 ml into H plus की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 into 400 इनटू में कितना दिया है मोलरिटी? 0.1। OH माइनस कितना है? 400 इनटू 0.1 सर। ये हमने 400 से क्यों मल्टीप्लाई किया? मतलब उसमें तो मोलरिटी में तो पर वॉल्यूम नहीं चाहिए होता, दे रखा है ना रे 400 ml और नीचे मोलरिटी H2SO4 का क्वेश्चन में सर। पर मतलब ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में था, इससे तो सिर्फ मोल्स मिलेंगे। ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना, M1V1 minus M2V2 upon V1 plus V2। लगाया तो मैंने वही है, लेकिन यहाँ पे दोनों दोनों का यूनिट सेम ही है ना, इसका और इसका। जो आप H2SO4 का यूनिट कर रहे हो वही तो NaOH का यूनिट है ना। यस सर। ठीक है, तो 2 into 400 into 0.1, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि H2SO4 है ये। तो आगे 2 हो जाएगा। आप बताओ ये कितना आने वाला है? 80। देखो अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसे समझना, जब आप मोलरिटी निकालते हो तो क्या लिखते हो? मोल्स इनटू में कितना? मोल्स पर लीटर और ये वॉल्यूम। तो जब एमवी अपॉन में 1000 आप करोगे तो दोनों के लिए मोल्स निकालोगे तो दोनों में 1000 से होगी ना, तो फिर बाद में तो कैंसिल आउट हो जाना है। तो यहाँ भी यूनिट सेम है, तो ये 80 हो गया, ये कितना हो गया? 40। बताओ कौन ज्यादा है? H plus left बच जाएगा ना? हाँ सर। कितना बचेगा? 80 minus 40 upon में total volume कितना? 800। 800। ये कितना हो गया? 40 upon में 800। 0.05। कितना? 1 upon में 20। 0.05। pH की value क्या होगी? Minus log 20 का पावर माइनस 1, यही आने वाली है ना। yes, 10 में कितना लिखा है? log 10, इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसका 0.3। सबसे पहला सही है ना सर। log 2 वाला माइनस में नहीं होगा वैसे? सर माइनस log है ना, माइनस आगे एक और आगे माइनस है ना, वो आगे तो है ना। हाँ सर। बाद ये log 20 बच गया होगा। हाँ हाँ ठीक है समझ गया। तो इसमें और भी सही हो सकते हैं ना। हाँ दूसरा भी पढ़ते हैं ना आप। आयरिंग प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिल्कुल सही है। सही है। KW की जो वैल्यू होती है H प्लस और OH माइनस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे KW की वैल्यू भी ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है। तो सेकंड वाला भी सही है, आप नोट करो। फिर थर्ड वाला भी मैं करता हूँ। हो गया सर नोट। हो गया सर। पेन चल रहा है। हाँ हाँ सर वो खत्म हो गया था, फिर मैं दूसरा लेने गया था। चलो देखो थर्ड वाला पार्ट देखना आप, इसका थर्ड पार्ट।
पूछा मोनोबेसिक एसिड के की वैल्यू क्या होती है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, यही होती है ना के की वैल्यू 10 का? हां यस सर, वही वैल्यू होती है, सी अल्फा इनटू अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, तो 10 का पावर में प्लस पीएच की वैल्यू क्या होती है, एच प्लस आई डी एच, मतलब ये किसके इक्वल, एच प्लस का कंसेंट्रेशन 10 का पावर माइनस आई फाइव ना, और एच प्लस सी अल्फा होती है ना, तो बताओ 10 का पावर माइनस फाइव इंटू अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितना आएगी, 1/2 परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3%, पहला दूसरा तीसरा सही है, पता गलत है, होते में क्या है, the Lee-Chatelier principle is not applicable to common ion effect. The correct statement. ये गलत हो गया चौथा वाला, 1, 2, 3 सही है। तुम लोग पेपर देने के पहले नहीं प्रिपेयर्ड होके पेपर ही नहीं देते हो। ये जिस टाइप से आप डाउट पूछते हैं ना, मेरे को यही लगता है। बोले 10 बजे से पेपर है, 9:30 को उठते हुए 10 बजे बोले आ गया सो आ गया, जो बना सो बना, नहीं बना जो जाने देते हैं, अब स्ट्रेस नहीं देते। 9:30 को नहीं उठते इतना लेट। नहीं सर किया था प्रिपेयर। और अगर प्रिपेयर भी करते हो तो वो गंदे ऐसे करते तुम लोग, थ्योरी निकाल के बस पढ़ लेते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं करते हो, ठीक है थ्योरी फिर तो बहुत बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। जब भी प्रैक्टिस किया करो तो हमेशा न्यूमेरिकल के साथ किया करो, तभी तेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और चीजें समझ में आएगी कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप चाहे जितना फॉर्मूला याद करके चले जाओ, बिना क्वेश्चन के नहीं होगा। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का भी यही है ना लॉजिक, फिजिकल केमिस्ट्री, आप चाहे जितना याद करके फॉर्मूले कुछ करके जाओ, वहां पे बनने ही वाला नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। फॉर्मूले तो आपको याद रहेंगे लेकिन ये माइंड स्ट्राइक नहीं करेगा कि कौन से फॉर्मूले कहाँ पे अप्लीकेबल होगी, वो तभी क्लियर होगा जब करके जाओगे। हाँ चलो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें अगर अपन, ये भी पूछते हो तुम लोग, Zr3PO4 ऑल ट्वाइस, बिल्कुल निकम्मे होते हैं, Zr3PO4 ऑल थ्राइस, बताओ कुछ एक में ज्यादा होगा ना किसी में, हाँ 4 है। एक बात बताओ मेरे को, अगर ए एक्स बी वाई लिखा होता तो कैसे ब्रेक करते हो आप, एक्स से वाई, वाई भी एक्स माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 3Zr+4 होगा, प्लस में ये क्या होगा 4PO4-3 होगा, ये 3S होगा, ये कितना होगा 4S, ksp की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहां से कर सकते हो ना आप लोग, 6912 सी तो ऐसे ही कट होने वाली है, बी सी डी में तो इतना कम आ ही नहीं सकता, ठीक है 27 तो यही दिखाई पड़ रहा है अपने को, और 256 तो इसी में है, तो डी वाला तो ऐसे ही कट हो गया, थोड़ा सा भी पढ़ के जाते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाती, मतलब डी वाला ऑप्शन क्या है सही है। नहीं सर
38.95 करना है। 37 नहीं करना है क्या? 38 नहीं सर, 38 अब नोट करो, 37 करवा दो अगर करवाना हो तो। करवाना नहीं है, तुम बोलो तो मैं तो सारा का सारा करवा दूंगा ना, जब अपन डिस्कशन ही करवा रहे तो। तो एक सेकंड देख लेता हूँ। मतलब सामने क्वेश्चन नहीं निकाल के रखे हो कैसे फिर? नहीं मतलब क्वेश्चन तो निकाल के रखे है पर वो याद नहीं है कि वो सही हुआ था, मतलब सही तो हुआ था पर कैसे सही हुआ था, तुक्के में या सॉल्व करके। कभी ऐसे बात करते हो ना कि पढ़ के मतलब मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 37 करता हूँ। इस बार तो मेरे केमिस्ट्री की वजह से ज्यादा मार्क्स आए। हाँ केमिस्ट्री में ही सबसे ज्यादा है। उस दिन ही जान बोल रहा था नंबर कम आए हैं। अरे सर वो मैं फिजिक्स का पेपर चेक कर रहा था केमिस्ट्री में। अच्छा केमिस्ट्री में मेरे 4 वो न्यूमेरिकल सही हो गए, मतलब वो इंटीजर वाले। अच्छा 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 इसीलिए तो वो लास्ट वाला बोला कि गलत है, समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखना। इफ Ksp ऑफ Ag2CO3 इस Ksp दे रखा है 8×10^-12 द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ फलाना, इसका मोलर सॉल्युबिलिटी पूछा है। एक बात बताओ मोलर सॉल्युबिलिटी अब कैसे निकालोगे? या तो Ag+ का अननोन होगा या फिर CO3-2 का। तो अब आगे डाटा देखो ना, इन दोनों में से किसी एक का तो दिया ही जाएगा आपको। जैसे मोलर सॉल्युबिलिटी पूछा ये Ksp देख करके, मतलब इन दोनों में से किसी एक का निकालना है। तो दोनों में से देखो कौन सा दिया गया है। Ag2CO3 जो है क्या, हाँ 0.1 मोलर कौन है AgNO3, इसका मतलब Ag+ का कितना हो गया 0.1। अब आप देखो Ag2CO3 जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ट्वाइस Ag+ हो जाएगा, प्लस में CO3-2। तो अगर Ksp की वैल्यू अपन निकाले तो Ag+ का होल स्क्वायर होगा और ये CO3-2। जल्दी से नोट कर लो, ये हो गया कितना 8×10^-12 और ये वाली वैल्यू 0.10^-2, मतलब आंसर आ गया 8×10^ कितना -10 -2। 10 का पावर कितना आएगा -10। चलो हाँ ठीक है, उसमें वो स्ट्रॉन्ग है ना इसलिए खाली उसका गिनेंगे ना, AgNO3 का गिनेंगे ना। हाँ ये कॉमन इसीलिए देता ही है कि एक का आपको पता चल जाए, क्योंकि दोनों अननोन होगा तो आप कभी सॉल्युबिलिटी निकाल ही नहीं सकते हो, इसीलिए वो जान yes, सर मतलब सर वो छूट गया था लास्ट का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, लास्ट का छूट गया था, चलो मैं कर देता हूं। हां सर अब लिखो ना फिर से। Ag2CO3 Ag+ + CO3-2 और Ag+ का दे रखा था 0.1 और Ksp की वैल्यू 8×10^-12 Ksp क्या हो जाएगा Ag+ का होल स्क्वायर और ये CO3-2×8^-12 तो CO3-2
8 इंटू 10 का पावर माइनस 12 अपॉन में एच प्लस का कितना है 0.1 मतलब 10 का पावर माइनस 2 8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा 38 है इतना बस सर एक मिनट अभी ये लिखने दो हो गया सर गया यस सर चलो इसके बाद देखना हम क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 में H2SO4 दिया गया ना आपको H2SO4 और क्या है NH4OH बताओ दोनों को मिलाओगे तो क्या बनने वाला है अमोनियम सल्फेट और बाजू प्रोडक्ट क्या होने वाला है H2O ठीक है H2SO4 के लिए कितना कितना दिया गया आपने को 20 × 0.1 मतलब ये 2 हो गया ठीक है और NH4OH के लिए 30 × 0.2 मतलब 6 हो गया ये T equals to 0 पे है तो T equals to equilibrium पे ये limiting reagent हो गया मतलब ये 0 हो गया अरे इसका एक है तो एक है लेकिन ये दो है ना तो इसका कितना left में बच जाएगा 4 बचे अच्छा रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना करना होगा ना ये 2 है यहाँ पे 2 लगा लेते हैं रिएक्शन बैलेंस हो गया क्या यहाँ पे twice H2O अब देखो यहाँ पे एक है तो ये दो है तो चार गया होगा तो कितना बचा होगा दो दो ये बना कितना होगा दो समझ में आया हाँ सर अब बताओ देखो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन आपके पास NH4OH क्या है वीक बेस है और ये उसी का क्या है सॉल्ट है ना तो वीक बेस प्लस सॉल्ट मिलके कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा बफर तो बेसिक बफर हो जाएगा ना बेसिक बफर हाँ, सर तो फॉर्मूला POH इक्वल टू क्या होगा PKB प्लस में लॉग सॉल्ट अपॉन में बेस तो PKB की वैल्यू दिया है क्या 4.7 डायरेक्ट दे रखा है फिर तो कुछ था ही नहीं सॉल्ट और बेस सॉल्ट और क्या है बेस दोनों सेम है ना मतलब वो तो जीरो होने वाले तो कितना आने वाला POH 4.7 तो POH की वैल्यू कितनी बची 9.3 क्या निकालना था यही पीएच ही निकालना है कि कुछ और निकालना है सर यही है सर वो आप सारा क्वेश्चन अभी वापस बोलने पड़ेंगे कि नहीं मैं कंटिन्यू करवा देता हूं सर समझ गया सारे ही करवा अब इसके बाद क्या करवाओगे कल थर्मोडायनेमिक्स तो इस ब्लॉक असाइनमेंट सी और डी करके आओगे हां सर हम इस ब्लॉक की एनसीईआरटी भी अभी कर सकते हैं ना हां हां बिल्कुल असाइनमेंट में लास्ट में है एनसीईआरटी वो भी बताऊं क्या एक मिनट सर अरे ये क्या तुम लोग गंद फैलाते रहते हो यार ये चिन्मय फैला रहा है आज सर चिन्मय हाँ सर हाँ चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है एन इक्वल सॉल्यूशन कंटेंस एन अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बी ए प्लस टू व्हेन 50 ml ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज एडेड जब इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप Na2SO4 जैसे ही ऐड करोगे BaSO4 का क्या बनने वाला है
precipitate. अब आगे बढ़ो, क्या दिया गया है? ये 50 ml of 1 molar, ये है 50 ml. And it just begins to precipitate. अच्छा, just अभी ये start हुआ है. The final volume is 500. यहाँ पे volume कितना हो गया? 500. मतलब ये कितना रहा होगा? 450. ठीक है. तो पूछा द सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी नहीं है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा. ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है के एस पी ऑफ BaSO4 कितना दे रखा है? 10^-10. अब देखना व्हाट इज द ओरिजिनल कंसेंट्रेशन ऑफ Ba+2. मतलब ये जो स्टार्टिंग में कितना है ना, वो पूछा है आपसे. ओरिजिनल कंसेंट्रेशन का मतलब यही हुआ ना कि जो सबसे वो बताना है आपको. हाँ, तो सबसे स्टार्टिंग में देखना है. यहाँ पे इक्वेट करते हैं इसको अपन. एसपीओ BaSO4 10^-10 दिया गया है. यहां से अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना कि ये जो Ba+2 होगा और ये SO4-2, ये 10^ कितना होगा? -10 होगा. अब इन दोनों में से किसी एक को तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना. Ba+2 के बारे में पूछा होगा, मतलब ऊपर जो डाटा दिया गया होगा उससे कहीं ना कहीं SO4 का कंसंट्रेशन मिल तो जाएगा आपने. तो अब चलो देखो, यहाँ से चेक कर लेते हैं अपन. देखना ये 50 ml दिया गया, इसका कंसंट्रेशन भी तो दिया गया होगा ना. कितना दिया गया है? कुछ दिया गया है कि नहीं? 51 molar. तो इन दोनों अपन यूज कर सकते हैं ना, M1V1 = M2V2. अगर इसका कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगा तो SO4 पता चल जाएगा ना अपने को, तो लाके यहाँ पे पटक, तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, वॉल्यूम 50, M2 की वैल्यू नहीं पता है, वॉल्यूम कितना है? 500 है. तो बताओ M2 की वैल्यू कितनी हो गई? 50 अपॉन में 0.1 होगी ना. इसका मतलब बताओ Ba+2 इसकी जो सॉल्युबिलिटी है इसके अंदर, अब यहां से पता चल जाएगी SO4 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1. ये कितना हो गया? 10^-10. तो Ba+2 का 0.1 नहीं है क्योंकि उस SO4-2 का तो दिया है. कहाँ दिया है? वो 1 molar. कहाँ दिया 1 molar? वो 1 molar Na2SO4 का है, तो वो SO4-2 का भी वही होगा ना. नहीं नहीं, लेकिन आपसे सारा कुछ किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? बेरिलियम के रिस्पेक्ट में ना, सॉरी बेरियम के रिस्पेक्ट में ना. यस सर. तो इसका SO4 की जरूरत है ना आपको इस वाले की. तो सर हमने इधर ये 1 कैसे ले लिया Ba2+ को? Ba+2 का 1 लिया मैंने. ये वाला क्या? नहीं, नीचे जो पर्पल में नीचे लिखा है ना, M1V1 equals. अरे इस पूरे के लिए लगाया ना M1V1. ओके ओके. तो देखो क्वेश्चन में दिया गया है ना 1 molar, Na2SO4 का 1 molar है. अब यहाँ से M2 निकाला 0.1, इसका मतलब इसकी अपने को निकल गया कंसंट्रेशन 0.1, तो SO4 भी कितना होने वाला है? 0.1. तो अब Ba+2 की वैल्यू क्या हो गया? 10^-9. अब बताओ यहाँ से, ये तो सॉल्युबिलिटी निकला है, अब ओरिजिनल कंसंट्रेशन करना पड़ेगा M1V1 M2V2. हाँ, इसके रिस्पेक्ट में कर दो एक बार. यहाँ से कितना है ये? 450 इंटू में M1, इसी का तो निकालना है आपको. ये वाला कंसंट्रेशन कि ओरिजिनली बिल्कुल स्टार्टिंग में कितना लिया गया था, तो ये 450 इंटू M1 इक्वल टू कितना? 10^-9 और ये 500. जो आएगा ना वो आंसर हो जाएगा. ये सी वाला आएगा ना? हाँ, 1.1 वाला. इनसे कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा 500 4 9 10^-9 3 में है यार. अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना, सिले मिस्टेक अगर किए तो गड़बड़ हो गया. 500 अपॉन में कितना है? 450. 1.1 हो गया. 10/9
वन पॉइंट समथिंग होने वाला है, तो एक ही ऑप्शन है ना सी वाला, ठीक है? यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 40, लुईस एसिड अपन बोलते जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, ठीक है? लोन पेयर एक्सेप्ट शायद सर नहीं था, वो तो आ गया था, आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसका आंसर एक बार बता दो, मैं चेक कर लेता हूँ। किसका? हाँ सर, 40 वाला सर, ये वाला इसका आंसर। हाँ, एफसीएल थ्री, बीसीएल थ्री, बीसीएल थ्री एंड एलसीएल थ्री। हाँ सर, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 41, ये 41 ना, 41 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक, कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन टू, ये तो सही है, ये मैं नहीं करने वाला हूँ। 42 बी एसिड दो दिया गया है, तो दियर सॉल्व द पीएच का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 7 माइनस कितना प्लस होता है ना, प्लस 1/2 पीके ए माइनस पीके बी, तो दिया गया वेल पुट कर सकते हो, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया 1 लीटर, एक्वस सॉल्यूशन विद द पीएच ऑफ 1, अच्छा पीएच भी दिया गया सबसे स्टार्टिंग में 1, अच्छा स्टार्टिंग में पीएच 1 है और वॉल्यूम कितना है 1 है, ठीक है, पीएच की वैल्यू भी 1 है और पीएच 2 करना है आपको, तो पूछा कितना वॉल्यूम आपने ऐड किया है, 9 लीटर, हाँ कितना की रिक्वायरमेंट होगी, कितना ऐड करोगे आप, तो बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 का पावर माइनस 1, और ये H प्लस की वैल्यू क्या होने वाली है 0.01, तो यहाँ से M1V1 इक्वल टू M2V2, M1 की वैल्यू क्या है दिया गया है कुछ 0.1 इनटू 1, M2 की वैल्यू निकालना है, यही निकालना है, नहीं 0.01 इनटू वॉल्यूम निकालना है, बताओ वॉल्यूम कितना आ गया 10 और एक पहले से था तो 9 लीटर ऐड किया ना, 43 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आप, एक मिनट, ये 43 नोट कर रहा हूँ, नोट कर लो आप। सर एक सेकंड, मेरी पेन रुक रुक के चल रही है, देखना इसको अब हटा हो गया, हो गया सर, हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 43 तक तो हो गया है, 44 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, mx है, mx2 है, m3x है, इसका निकालोगे तो s स्क्वायर आएगा ksp, और इसका 2 का स्क्वायर करोगे मतलब 4s क्यूब आएगा, इसका 327 s का पावर 4, इसमें s की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, कितना हो जाएगा s इक्वल टू 2×10 का पावर -4, इसमें पॉसिबल है क्या निकालना, इसके एस की वैल्यू कितनी होने वाली है 3.2×10 का पावर -14 अपॉन में 4 का पावर 1/3, 2×10 का पावर -5, 2×10 का पावर -5, चलो इसमें एस की वैल्यू जो होगी 2.7×10 का पावर -15 अपॉन में 27 पावर 4, ये तो आसान है,
कितना हो गया ये 10 का पावर माइनस 20 सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी हो गई ये वाली मतलब mx इसके बाद ये वाली n3x देन आफ्टर mx समझ में आया हाँ चलो फिर चेपो जल्दी से अरे आपको एक तरीका बताऊं इतना क्यों टाइप कर रहे हैं इसमें तो सिंबल लेबल भी नहीं होते ना आपके स्पीड में क्या कर अगर आपको गूगल ट्रांसलेटर होता है ना तो उसमें फोटो खींच के ये फ़ॉन्ट से लग हो जाते हैं हाँ तो आप मेरे हिसाब से आप उससे जल्दी तो आप टाइप हो गया इसको हटा दूं हमारे दूसरे क्लास वाले भी आ रहे हैं चलो सर रुको एक मिनट सर सर एक मिनट एक मिनट सर सर हाँ भी हटाया नहीं मेरा ये चिन में बहुत जल्दी है इसको अरे चिनान हो गया सर हो गया हाँ सर ये वाले में एक बार डाल देता हूँ ज्वाइन केमिस्ट्री क्लास तब तक वो भी आ जाएंगे कौन सा क्वेश्चन दे यार 44 45 में देखना क्वेश्चन तो हटा दिया मैंने क्या था बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बार बस पढ़ के तो सुनना क्या था क्वेश्चन 2.5 मिलीलीटर 2.5 चल देखना 2.5 बिग मोनोबेसिक एसिड है एसिडिक बेस्ड है इसका मतलब यूं हो गया मोनो एसिडिक ये देखना इसका मतलब एक एच प्लस क्या करने वाला है ये डोनेट करने वाला है मोनो का मतलब यही होता है ना हाँ सर केवी की वैल्यू दे रखा है 10 रेज टू पावर माइनस 12 है टाइट्रेटेड विद 2.50 मोलर एनसीएल तो ऐसे कर सकते हैं ना टाइट्रेटेड सन करवाया गया मतलब M1V1 इक्वल टू M2V2 तो मतलब पहले वाले की मोलरिटी कितनी है 2/5 वॉल्यूम कितना है 2.5 सेकंड वाले की मोलरिटी कितनी है 2/15 और वॉल्यूम कितना है नहीं दिया है वॉल्यूम 15/2 ml अब ध्यान से देखना इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपसे एस प्लस पूछा है इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे देखो कैसे निकालोगे आप सबसे पहले जो आपके पास ये वेस्ट दिया गया है ना इसका कितना मिलीमोल्स है मिलीमोल्स की वैल्यू कितनी होगी ये दोनों मल्टीप्लाई करो ना 2/5 इनटू में कितना वन तो ये वन आ रहा है इसका मतलब जितना वेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही एसिड लगेगा ना यस सर इक्विवेलेंस तो तभी होगा तो एक मोल इसके एक मोल इसके दोनों के कितने कितने मोल काम करने वाले हैं एक एक मोल काम ठीक है अब इसके बाद देखना तो टोटल वॉल्यूम आपके पास कितने होने वाले हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम कितना मिलेगा इसका 2/10 ml हो गया बहुत अच्छा तो आपके पास जो सॉल्ट बना होगा इसको और इसको मिला के उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है ना भी कर सकते हो आप यही लिखते थे ना अपन यस सर अब आप ध्यान से देखना जो आपको दिया गया है ना एक तो एच सी एल है नहीं है कौन 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 सा अपने पास है एक एच सी एल है दूसरा कोई वीक बेस्ड है तो इसके लिए केएच की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो के डब्ल्यू अपॉन के बी डब्ल्यू बाई के बी हाँ तो यहाँ से क्या लिखते हैं के डब्ल्यू अपॉन में के बी के डब्ल्यू की वैल्यू पता है ना कितना 10 रेज्ड टू पावर 10 टू माइनस 14 के बी की वैल्यू दिया है क्या 10 रेज्ड टू माइनस 12 10 रेज्ड टू पावर माइनस 12 ठीक है सी की वैल्यू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैसे निकालोगे आप कोई बताओगे कितना होगा कंसेंट्रेशन होगा प्लस इज इक्वल टू के अल्फा नहीं रे 1/10 होगा ना आपके पास एसिड का भी एक मोल है वेस्ट का भी एक मोल है
तो जो सॉल्ट बना वो भी एक ही बना होगा ना, टोटल वॉल्यूम है 10, तो मोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम, यही तो कंसंट्रेशन होगा ना। तो C की वैल्यू है 1/10 है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, H, वही आंसर होगा। नहीं नहीं H निकलेगा, वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हुआ, लेकिन आपसे पूछा क्या है H प्लस ना, तो इसका क्या होगा CH, मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो आंसर होने वाले। मतलब ये KW अपॉन KB इनटू C होगा ना, KW अपॉन में KB इनटू C, क्यों नहीं मतलब ऐसे 10^-2, अभी C का 1/10 है तो उस मतलब ये 10^-1 तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वहां से आप सॉल्व करोगे तो H आपको मिल जाएगा और C की वैल्यू पहले से पता है, ठीक है। चलो अब ये कैलकुलेशन एक बार ट्राई करना, नहीं होता तो फिर कल करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, हटा देना। हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 47 एक बार पढ़ो आप बस क्वेश्चन। टू अ 10 ml ऑफ 10^-3 normality H2SO4 solution what now we dekh liya my question in nikalna play integer ek minute 11 j advance kaam hai question number 47 na question number 47 to a 10 ml of 10^-3 normal H2SO4 ye H2SO4 hai जिसका वॉल्यूम कितना है 10 ml, नॉर्मलिटी कितनी है, नॉर्मलिटी वाटर हैज बीन एडेड, वाटर को इसने क्या किया ऐड किया गया, ठीक है। अगर वाटर को ऐड कर रहे हैं, वाटर को इसमें ऐड कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, 1 liter, 1 liter, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम 1 liter है। तो m1 v1 10^-5 किसका कंसंट्रेशन मिल चुका है, H plus 10^-5 Thank you sir. Bye bye. Chalo.